नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निक्की कुकिंग में। आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन की ग्रेवी वाली और चटपटी मसालेदार सब्जी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि हमें मोटिवेशन मिले और मैं अच्छा अच्छा वीडियो बनाऊँ। हमने दो बैंगन और एक प्याज और हरी मिर्च ले लिया है। अब इसे हम काट लेते हैं, एक नए तरीके से बनाना है। इस बैंगन को हम ऐसे ही काट लेंगे और इसे ज़्यादा पतले पतले नहीं काटना है, इसे मोटे मोटे टुकड़ों में काटना है। इसे बारीकी से हम काट लेते हैं। पहले देखिए दोस्तों, हमारा बैंगन कट चुका है। अब हम प्याज को भी काट लेते हैं। प्याज को भी हम बारीकी से काट लेंगे। पहले प्याज भी हमारा कट चुका है। अब हम हरी मिर्च को भी काट लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा हरा मिर्च भी कट चुका है। अब हम बैंगन को काट के रखे थे, इसे अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। देखिए तो इसको अच्छे से हम फ्राई कर लिए हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं। अब हम तड़का लगा लेते हैं। तड़का लगाने के लिए हम थोड़ा तेल डालेंगे और मेथी दाना डालेंगे, लहसुन का पेस्ट डालेंगे और कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा हींग डालेंगे और कटी हुई प्याज डालेंगे और इसमें हम नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने स्वादानुसार डाल सकते हैं। और इसे अच्छे से हम चला लेंगे और इसमें बेसिक मसाला ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और सब्जी मसाला और इसे अच्छे से चला लेंगे हम। और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा मसाला और प्याज अच्छे से पक जाए। इसे अच्छे से चला लेंगे और इसे 2 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पे ढक देंगे ताकि हमारा मसाला और प्याज अच्छे से पक जाए। तो देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, कितने अच्छे से पक चुका है और कितना अच्छा कलर आया है। इसे अच्छे से चला लेंगे, इसे भून लेंगे जब तक इसमें थोड़ा थोड़ा तेल ना छोड़ने लगे। देखिए हमारा मसाला और प्याज अच्छे से भून चुका है। अब इसमें फ्राई किए हुए जो बैंगन रखे थे उसे ऐड कर लेंगे। इसे अच्छे से चला लेंगे। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी अब अपने आवश्यकता अनुसार ऐड करते हैं, जितना आपको ग्रेवी चाहिए। और चला के हम अच्छे से अब इसे हम 1 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। इसे मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। तो देखिए दोस्तों, कितने अच्छे से पक चुका है और कितना अच्छा कलर आया है। और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इसे आप रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं। दोस्तों, आप ज़रूर एक बार बनाइएगा इसको, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।